हेलो एवरीवन, मैं पवन सर। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट इंग्लिश में थर्ड लेवल जो बुक है वो विस्टा है और चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। इसमें हम आज के आज वीडियो के अंदर जो वर्ड्स मीनिंग है, जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग क्या है उसको हम समझेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट मतलब वीडियो बनाऊँगा उस वीडियो में मैं आपको सारा चैप्टर प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्ड्स मीनिंग। तो क्या वर्ड्स मीनिंग देखते हैं उसे हम। तो हमारे पास पहला वर्ड लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड जो है वो है स्वेयर, मतलब कसम लेना है ना, शपथ लेना। ये इसके बाद स्टैक यानी होता है ढेर लगाना, यानी कि एक कोई वस्तु जिस पे एक के ऊपर एक चीज़ रखते हुए चले जा रहे हैं। थर्ड ऑब्वियस मतलब क्लियर, स्पष्ट होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है साइकेट्रिस्ट, जिसका मतलब होता है मनोचिकित्सक। स्कैप मतलब होता है किसी काम से बचकर भाग जाना। वंडर मतलब होता है घूमना। रिफ्यू मतलब होता है शरण लेना, आश्रय लेना किसी की हेल्प के लिए। नेक्स्ट वर्ड है अवेन्यू, मतलब होता है मार्ग यानी कि छायादार मार्ग। नेक्स्ट है स्टेयर कैसेस यानी सीढ़ी होती है स्टेयर। एंगलिंग मतलब होता है जहाँ पर, एंगलिंग मतलब होता है ऐसा एक कांटा जिससे हम किसी कीड़े को लगाकर मछली को पकड़ते हैं। अगला वर्ड है हॉलो, मतलब होता है खोखला कर देना। रोर गरजना, चिल्लाना, आवाज़ करना। नेक्स्ट वर्ड है आई सैड, मतलब होता है किनारा, किनारे से चलना। फ्लिकरिंग मतलब होता है चंचल, मौज मस्ती करने वाला। ब्रास मतलब पीतल। स्पिटून पीकदान थूकदान होता है। ग्लिंड मतलब चमकना, झलकना। ग्लैंस्ट चमकना होता है सिनोनियम से ग्लिंड का। फ्रॉन्ट मतलब होता तेवर दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है मोस्चेस यानी मूछे। फिर ग्लिम्स झलक देखना, जल्दी से एक नज़र डालना किसी को, एक नज़र में देखना। नेक्स्ट वर्ड है फनल, मतलब होता है फनल द्वारा किसी चीज़ को निकालना है, किसी चीज़ में कुछ अदर चीज़ को डालना। तो इस आज की वीडियो में मैंने केवल आपको बताया वर्ड मीनिंग के बारे में, जो विस्टा बुक्स के लेसन नंबर फर्स्ट द थर्ड लेवल एंड तीसरा लेवल भी इस कहानी में दिया हुआ है उसकी वर्ड मीनिंग्स क्लियर कर दी। अब जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपको इस चैप्टर की समरी करके बताई जाएगी और उस चैप्टर में प्रॉपरली में क्या ट्विस्ट है कहानी में बताया जाएगा। तो अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट वीडियो में जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो विस्टा का चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है थर्ड लेवल, उस स्टोरी का प्रॉपरली मतलब क्या है, मीनिंग क्या है जानना चाहते हैं, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।